टिकट 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 5 रुपए टिकट, टिकट ले लो टिकट। अरे भाई तू टिकट क्यों बेच रहा है? क्योंकि यार आज हम लोग बस की सवारी करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग बस की सवारी करेंगे और बस के मजे लेंगे। तो भाई लोग कैसे हो तुम लोग, सब एकदम ठीक ठाक? या तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैडम राइड्स द बस चैप्टर के बारे में। चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है कि यार एक मैडम है जो यार बस की सवारी करती है और बस के मजे लेते हैं, तो तुम भी इस सफर के मजे लो। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। यार इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है वल्ली अमाई, जिसको यार हम लोग प्यार से वल्ली कहेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। वो यार मात्र 8 साल की है और चीजों को लेकर यार बहुत ही ज्यादा उत्सुक होती है। मतलब यार नए नए चीजों को देख के या फिर नए नए इंसिडेंट्स जो होते हैं यार उसके आसपास, उसको देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो यार अपना ज्यादातर समय यार घर के दरवाजे पे बिताती थी और बाहर के नजारे देखती थी, क्योंकि यार उसकी गली में, उसके मोहल्ले में यार उसके एज का कोई भी ऐसा लड़का या लड़की नहीं थी जो उसके साथ खेल सके। उसके एज का कोई भी नहीं था, तो ये यार मस्त अपने गेट पे आ जाती थी, ठीक है, और बाहर के नजारे देखने लगती थी। उसके गली में जो जो हरकतें होती थी ना यार, उसका ये लुत्फ उठाती थी। जहाँ पर यार सारे बच्चे खेलते थे और खेलकर एंजॉय करते थे, वहीं दूसरी ओर यार ये वल्ली जो हमारी है, ये हमारे गेट पर बैठी रहती थी, अपने घर के गेट पर बैठी रहती थी और बाहर के नजारे देखती रहती थी। उसको ये सब बाहर के नजारे देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था। बाहर यार कुछ अलग अलग इंसिडेंट्स होते थे और इसको यार एक अलग अलग एक्सपीरियंस देती थी। हो सकता है यार किसी के झगड़े हो गए होंगे तो उसमें वो एंजॉय करती थी, जैसा कि यार हमने भी कभी बचपन में किया होगा। और सबसे ज्यादा मजा यार इसको बस देखने में आता था। यार हर घंटे एक बस इसके गांव से इसके पास के शहर में जाती थी और हर बार यार बस भरा होता था नए नए पैसेंजर से, नए नए लोग होते थे उसमें, और उस नए नए लोगों को देखकर ये बहुत ज्यादा खुश होती थी। यार एक बस जाती थी तो दूसरी बस यार एक घंटे बाद फिर से वापस आ जाती थी और यार जाके शहर को छोड़ती थी लोगों को, और फिर वहां से शहर से लोगों को उठाकर वापस इसके गांव आती थी, और हर बार बस को देखकर यार ये बहुत ज्यादा खुश होती थी। यार ये कहानी ना गांव की है, तो तुम अपने आप को यार गांव में इमेजिन करो। इमेजिन करो कि यार तुम वहां पर हो और बस को देख रहे हो, तुम्हें यार फील आएगा, ठीक है। तो वल्ली यार दिन प्रतिदिन वो बस को देखती रहती थी जो भी यार उसके गांव से गुजरती थी, और धीरे धीरे यार उसके अंदर भी ना एक इच्छा उत्पन्न हो गई कि यार काश काश यार मैं एक बार इस बस पे चढ़ूं, मैं अपने जीवन में एक ना एक बार तो यार इस बस में चढ़ना चाहती हूं। वो यार बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गई और धीरे धीरे उसकी इच्छा यार और ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई। वो यार बस से आने जाने वाले लोगों को बहुत ही गौर से देखती थी और उसको देखकर यार यानी कि उन लोगों को देखकर इसकी उम्मीद यार और ज्यादा बढ़ जाती थी। जो बस था यार इसके गांव के एक गली के कॉर्नर पर रुकता था, वहीं पे यार लोग उतरते थे और वहीं से लोग यार चढ़ते भी थे। और अगर कोई इसका दोस्त यार बस की सवारी करके आता, शहर से घूम के बस में वापस आता और बस के बारे में बताता कि हमने ऐसा ऐसा चीज़ देखा, शहर में ऐसे ऐसे चीज़ थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो ये यार बहुत ज़्यादा जलस फील करती थी और इंग्लिश में प्राउड प्राउड कहकर निकल लेती थी। भले ही यार प्राउड का मतलब उन लोगों में से किसी को समझ में नहीं आता था, ना तो यार इसके दोस्तों को समझ में आता था और ना ही इसको समझ में आता था, लेकिन फिर भी प्राउड प्राउड कहकर निकल लेती थी। उन लोगों के लिए यार प्राउड का मतलब नहीं, डिसअप्रूवल था कि हम यार इससे एग्री नहीं होते, चल 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 निकल यहाँ से तू। तो जैसे यार हमारे दोस्त कुछ सुनाते हैं ना, कोई कहानी वहानी सुनाते हैं या फिर अपने बारे में बताते हैं कि यार आज तो मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने एक यार मजेदार चीज देखी, तो हम लोग कहते हैं चल 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 निकल यहाँ से चल, ऐसा ही कहते हैं ना यार। तो यार सेम चीज वल्ली के लिए भी प्राउड प्राउड कहना था। मतलब यार प्राउड प्राउड कहने का मतलब उसका ये है कि चल चल तू बहुत फेंकरा है, चल निकल यहाँ से, क्योंकि यार उसको जलस फील होता था। सारे दोस्त यार उसके घूम के चले जाते थे और वो यार कभी जा नहीं पाती थी। एक्चुअली मैंने यार वल्ली बहुत ज्यादा गरीब थी, उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो बस की सवारी कर सके और उसके माँ बाप यार अलाउ भी नहीं करते थे। ऐसे ही करते करते यार दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वल्ली यार ऐसे ही रोजाना बस को देखती थी और देखकर बहुत ज्यादा खुश होती थी। और फिर वो धीरे धीरे बस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। जो लोग यार उस बस की सवारी करके आते थे और आपस में बातचीत करते थे, तो वो उनकी बातों को बहुत ही गौर से सुनती थी और उससे वो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती थी। जैसे कि यार उनके बातों से उसे पता चला कि गांव से शहर का जो डिस्टेंस है यार वो 6 माइल है, और एक बार जाने में यार 30 पैसे लगते हैं एक बार के, और उधर से आने में वापस से 30 पैसे लगते हैं, जो कि यार उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन बल्ली के लिए यार ये बहुत ही बड़ा अमाउंट था, क्योंकि यार ये महीने में शायद ही कभी इतना पैसा एक बार देखती थी। मैंने कहा ना तुम्हें यार वल्ली थोड़ा सा गरीब थी, मतलब कि थोड़ा सा पूरे फैमिली से बिलोंग करती थी। फिर उसे पता चलता है कि एक बार शहर जाने में यार 45 मिनट लगते हैं और फिर वापस से आने में यार फिर से 45 मिनट लगते हैं। उसकी माँ यार दोपहर का खाना खाने के बाद यार 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आराम से लेस काटती थी, मतलब यार सो जाती थी, ठीक है, आराम फरमाती थी। तो वो यार मन ही मन अपना सारा कैलकुलेशन वगैरह कर लेती है और प्लान कर लेती है कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरी माँ सोई रहती है, इसी बीच माँ से चुप कर मैं आराम से बस में जाऊंगी, शहर जाके वापस यार बस से बिना उतरे हुए वापस घर आ जाऊंगी, 2:45-3 बजे तक तो आ ही जाऊंगी। फिर यार एक दिन बस जो है गांव से निकलने ही वाली होती है, तभी यार एक आवाज आती है, कंडक्टर को एक आवाज सुनाई देती है, रुकिए रुकिए बस रोक दीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए बस रोक दीजिए। तो कंडक्टर पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि यार एक छोटी सी लड़की हाथ हिलाते हुए आगे की ओर बढ़ रही है, मतलब कि यार बस की ओर बढ़ रही है। फिर कंडक्टर कहता है ठीक है जल्दी आ जाओ बस निकलने वाली है, किसको जाना है? मुझे जाना है, ऐसा वो लड़की कहती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वल्ली ही थी। फिर कंडक्टर कहता है ओ रियली, क्या सच में तुम्हें ही जाना है? तो वल्ली यार बस से बाहर ही खड़ी होती है और कहती है जी हाँ मुझे ही जाना है, ये देखिए मेरे पास पैसे भी है। वो यार कुछ कॉइंस जो है कंडक्टर को शो करती है। वो यार कंडक्टर को पैसे दिखाती है, कहती है ये देख मेरे पास पैसे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना आई हूं मैं, बात करता है। फिर कंडक्टर कहता है ठीक है चलो तुम पहले सबसे पहले बस पे चढ़ जाओ, हमें लेट हो रहा है। वो यार अपना हाथ बढ़ाता है उस लड़की की ओर, यानी छोटी सी बच्ची की ओर,
कि चलो आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो यार वल्ली कहती है नहीं नहीं आपकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद चढ़ जाऊंगी। तो यार कंडक्टर मजाकी रूप से कहता, ओ मैडम आप तो नाराज हो गई, अब ऐसा मुंह मत बनाइए, चलिए ये रही आपकी सीट, यहाँ पे बैठ जाइए, सब लोग साइड हट जाइए, मैडम को जाने दीजिए, मैडम को बैठना है। उस बस में यार सिर्फ 6 से 7 लोग थे, क्योंकि यार दोपहर का समय था, तो दोपहर के समय में यार लोगों को ज्यादा काम नहीं होता है, तो इसलिए कम लोग ट्रेवल कर रहे थे उस टाइम में। और कंडक्टर की बात सुनकर यार कंडक्टर के साथ साथ सब लोग हंसने लगे। तो वल्ली यार लोगों से नजर छुपाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर यार कंडक्टर हंसते हुए पूछता है कि क्या मैडम हमें चलना चाहिए। और फिर यार बस की 2 बार सीटी बजती है और बस यार स्टार्ट हो जाता है, चलना शुरू कर देता है। वो बस यार पूरी की पूरी नई थी, बाहर से यार व्हाइट और ग्रीन कलर का रंगा हुआ था, अंदर से यार सिल्वर की तरह एकदम चमक रहा था पूरा बस। उसके सीट यार बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थे और आरामदायक थे। और जहाँ पर वल्ली बैठी थी जस्ट उसके सामने यार एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। यार बस धीरे धीरे चल रही थी, वल्ली यार बाहर के नजारे देखने लगती है, लेकिन यार वल्ली की हाइट बहुत ज्यादा छोटी थी, ठीक है, तो वो यार बाहर के नजारे नहीं देख पा रही थी सही से। तो वो यार सीट पे खड़ी हो जाती है और सीट पे चढ़ के फिर देखने लगती है। यार इसलिए तो उसने पैसे दिए ताकि वो बाहर के नजारे देख सके। बस यार नहर से होते हुए एक पतली सी रोड में घुस जाती है, जिसके एक तरफ यार नहर था और नहर के उस साइड में यार बड़े बड़े लंबे लंबे तार के पेड़ थे, और कुछ डिस्टेंस पर यानी कि कुछ दूर पर यार बड़े बड़े पहाड़ भी थे, और सिर्फ आसमान ही आसमान दिखाई दे रहा था। और वहीं बस की दूसरी ओर यार खाई था, और खाई के जस्ट उधर यार सिर्फ हरा ही हरा दिखाई दे रहा था, जहां तक आंखें जा रही थी यार तहां तक सिर्फ हरा ही हरा दिखाई दे रहा था। क्योंकि यार हम लोग गांव की कहानी पढ़ रहे हैं, तो गांव में यार सिर्फ खेत ही खेत होता है, इसलिए सिर्फ हरा ही हरा दिखाई देता है। वल्ली को बाहर का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, तो वो यार एक्साइटेड होकर कहती है कि वाह क्या नजारा है। तब यार उधर से एक इंसान की आवाज आती है और कहता है कि ओ बच्ची बैठ जा वरना गिर जाएगी, मुंह हाथ फूट फाट जाएगा, चुपचाप सीट पे बैठ जा। फिर यह वल्ली सीट पे बैठते हुए देखने लगती है कि आखिर किसने मुझे ऐसा कहा है। वो देखती है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने उसे ऐसा कहा है, क्योंकि यार वो उसकी फिक्र करता था। लेकिन यार वल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा मुंह बनाकर बोलती है, आपने बच्ची किसको कहा, यहाँ पे आपको कौन बच्ची दिख रही है, मैंने भी बाकियों की तरह 30 पैसे दिए हैं तभी मैं यहाँ पर हूँ। तो कंडक्टर यह बीच में मजे लेते हुए कहता है कि हाँ सर इसने भी 30 पैसे दिए हैं जैसे कि बाकियों ने दिए हैं, आपको ये बच्ची दिख रही है क्या, ये तो देखिए बड़ी है, क्या आपको लगता है कि एक छोटी बच्ची खुद का पैसा दे सकती है और बाहर अकेले घूमने के लिए निकल सकती है, ये तो बड़ी लड़की है। कंडक्टर यह बीच में मजे ले रहा था, और उसे कहने का मतलब यह था कि ये बच्ची बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है, अगर छोटी बच्ची होती तो क्या ये पैसे दे पाती। फिर यह वल्ली गुस्सा हो जाती है और कंडक्टर से कहती है कि मैं कोई मैडम मैडम नहीं हूँ, मुझे मैडम मत बुलाओ, ये बात याद रखना, और हाँ तुमने मुझे अभी तक टिकट भी नहीं दिया है, जल्दी से मेरा टिकट दो। फिर कंडक्टर यार वल्ली की मिमिक करते हुए यानी कि उसी की नकल में कहता है कि ठीक है मैडम मैं याद रखूंगा, और सारे लोग हंसने लगते हैं। वल्ली भी यार हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती है, क्योंकि यार कंडक्टर ने इसी ढंग से बोला ही था। वो यार वल्ली की मिमिक्री करते हुए कहता है ठीक है मैडम मैं आपकी बातों को याद रखूंगा, उसने यार इस ढंग से बोला ही था कि सबको हंसी आ गई। फिर यार कंडक्टर एक टिकट फाड़ता है और उसके हाथ में पकड़ा देता है, वल्ली के हाथ में पकड़ा देता है, और फिर वल्ली से कहता है कि आप अपने सीट पर बैठ जाइए और आराम फरमाइए, आप बार बार खड़ी क्यों जाती है, आपने पैसे दिए हैं सीट के लिए तो पैसे दिए ना, तो बैठिए आराम से। वल्ली यार फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं मन कर रहा है खड़े होने का इसलिए मैं खड़ी हो जाती हूँ, तुमको इससे क्या, तुम अपना काम करो। तो कंडक्टर कहता है कि अगर आप खड़ी रहेंगी तो आप गिर जाएंगी, जब भी बस टर्न लेगी कोई बड़ा मुरावन आएगा या फिर सामने गड्ढा उड्ढा आ जाएगा तो बस ब्रेक मारेगी और आप गिर जाएंगी, आपका मुंह हाथ फूट जाएगा, इसीलिए बच्ची मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम अपने सीट पर बैठ जाओ। तुमने बच्ची किसको बोला, मैं कोई बच्ची उच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ओ हाँ हाँ मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं तो भूल ही जाता हूँ कि आप बच्ची नहीं है, आप 8 साल की हैं। कंडक्टर यार हर बात पर उसके मजे लेता है। फिर यार बस रुकती है और कुछ नए पैसेंजर आते हैं, तो कंडक्टर यार उनमें बिजी हो जाता है, टिकट वगैरह देने लगता है। और इधर यार वल्ली ये सोचकर सीट पर बैठ जाती है कि अगर मैं नहीं बैठूंगी तो कोई दूसरा आकर बैठ जाएगा और मेरा सीट चला जाएगा। तभी यार एक औरत आकर उसके बगल में बैठ जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या बच्ची तुम अकेले हो, और बस यार फिर से चलने लगती है। वल्ली को वो औरत बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है, उसके कान के छेद यार बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे और उसने यार भद्दी सी बाली पहन रखी थी अपने कान में, जो कि यार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, और मुंह में पान चबा रही थी और पान का थूक यार कभी भी उसके होठों पे आ सकता था, वो बहुत ही ज्यादा गंदी दिख रही थी, इसलिए वल्ली सोचती है कि कोई भी इंसान इसके साथ क्यों बात करेगा। लेकिन फिर भी वो उसका जवाब देती है और ऐठते हुए कहती है कि हाँ मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। तो कंडक्टर यार फिर बीच में घुस जाता और कहता है कि हाँ मैडम ये शहर की ओर जा रही है और इसके पास टिकट भी है जो इन्होंने 30 पैसे में खरीदा है। यार मैं 30 पैसा बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब तुम लोग 30 रुपया तो नहीं समझ रहे हो, यार तुम्हें पता ही होगा कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो इसने यार 1 रुपए से भी कम दिया है, सिर्फ 30 पैसे दिए हैं, क्योंकि यार ये गांव की कहानी है और बहुत ही पुरानी कहानी है, तो 30 पैसे में यार काम बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो यार वल्ली फिर से उस कंडक्टर से कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो ना, हर बार मेरी बात में घुस जाते हो तुम, और यार वो हंस देती है, तभी यार कंडक्टर भी हंस देता है। फिर यार वो औरत बोलती है जो कि यार वल्ली के बगल में बैठी होती है, वो कहती है क्या ऐसे बच्चे को अकेले जाना ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि तुम शहर में एग्जैक्टली जा कहां रही हो, गली नंबर तुम्हें पता है, हाउस नंबर क्या है तुम्हारा। वो यार ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगती है उस लड़की से। तो वल्ली कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, और अपना फेस यार विंडो की तरफ मोड़ लेती है और बाहर देखने लगती है। फिर यार वो लड़की मन ही मन सोचने लगती है कि इन लोगों को क्या पता कि मैं कितना मेहनत करके यहाँ पर आई हूँ, मैंने कितने प्लान्स बनाए, कितने कैलकुलेशन किए और तब जाकर मैं आज यहाँ पर हूँ, और पैसा बचाना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन काम था। सच में यार एक बच्चे के लिए ना पैसा बचाना बहुत ही कठिन काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है यार, और स्पेशली तब यार जब तुम्हारे गाँव में मेला वगैरह लगा हो।
मतलब यार सामने तुम्हारे खिलौने पड़े हैं लेकिन तुम खिलौने खरीद नहीं रहे हो, गुब्बारे वाला आ रहा है लेकिन तुम गुब्बारा नहीं खरीद रहे हो, झूले पे चढ़ने का मन भी होता है लेकिन फिर भी तुम नहीं चढ़ते हो, और फिर ऐसे कर करके तुम छोटे छोटे पैसे बचाते हो। और वल्ली ने भी यार ऐसे ही कर करके पैसे अपने बचाए हैं, अपनी सारी इच्छाओं को मारकर यार वो अपने पैसे बचाई है और आज यार यहाँ पर ट्रैवल कर रही है इस बस में। वो यार अपनी माँ से छुप छुपा कर यहाँ पर आई है, क्योंकि यार मैंने तुम्हें बताया ना कि उसकी माँ जो थी यार 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सोती थी, तो यार वल्ली के पास ये टाइम फ्री रहता था, इसको कुछ करना नहीं होता था, तो यार ये अक्सर हमेशा आकर अपने दरवाजे पे बैठ जाती थी और बाहर के नज़ारे देखती थी, बाहर जो बस जाता था वो देखती थी, हो सकता कोई यार फल वगैरह वाला जा रहा होगा तो उसको देखती थी, और ऐसे ही नज़ारे यार देखती थी बाहर का। और कभी कभी तो यार अपने गाँव में टहलने के लिए भी निकल जाती थी, घूम फिर के वापस यार आ जाती थी, और इसकी माँ को पता भी नहीं चलता था। और ठीक उसी समय आज भी वो यहाँ पर आई है इस बस में ट्रैवल करने, और यार बिना मम्मी को पता चले बस का मजा लेके वो वापस घर पहुंच जाएगी। और ऐसे ही सोचते सोचते यार वो बाहर का नजारा देख रही थी, और बाहर का नजारा देखकर यार हमें बताती है कि वो कैसा दिख रहा था। वो बस यार कभी खाली जगह से गुजरती तो कभी एक छोटे से कस्बे के पास से गुजरती तो कभी दुकान के पास से गुजरती, और कभी कभी तो सामने से आने वाली गाड़ी को ऐसा देख के लगता था कि वो बस जाकर अब गाड़ी में टकरा जाएगी या फिर जो लोग रोड को क्रॉस कर रहे थे उनसे जाकर टकरा जाएगी, लेकिन सबसे बच बचाते हुए वो आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। आजू बाजू वो पेड़ को देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि पेड़ मानो सामने से उसकी ओर भागे चली आ रही है, और फिर पीछे की ओर भागने से पहले वो 1 मिनट के लिए ठहरती थी और फिर पीछे की ओर भागती थी। कहने का मतलब ये है कि जब यार हम लोग गाड़ी के अंदर होते हैं और गाड़ी चल रही होती है तो हमें ऐसा लगता है कि यार वो पेड़ जो है ना वो हमारी तरफ ही आ रहा है, और फिर यार सट से पीछे की ओर निकल जाता है। तुमने काफी बार इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, और यही सेम चीज यार ये हमारी लड़की भी ऑब्जर्व कर रही है। और तभी अचानक से वल्ली खुशी से ताली बजाने लगती है, वो देखती है कि बाहर एक गाय है और वो गाड़ी के साथ साथ रेस लगा रही है, उसके बस के साथ साथ यार वो रेस लगा रही है। गाय की पूंछ हवा में है और वो बहुत ही तेजी से बस की ओर आ जाती है, वो रोड के बीचों बीच बस के सामने आ जाती है। बस का ड्राइवर यार ब्रेक मारता है और बस को थोड़ा सा धीरे करता है, बार बार हॉर्न बजाता है ताकि वो गाय हट जाए, लेकिन यार हॉर्न से डर कर वो गाय और ज्यादा तेजी से भागती है और फिर से यार बस के सामने आ जाती है। और गाय की ये सारी हरकतें देखकर यार वल्ली बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उसके लिए ये यार एक फनी मोमेंट था। और वल्ली बहुत ही ज्यादा हंस रही थी और तब तक हंसती रही जब तक कि यार उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए। तभी यार कंडक्टर पूछता कि मैडम कितना हंसोगी, कुछ हंसी कल के लिए भी बचा लो। और आखिरकार वो गाय यार रोड से हट जाती है, बस यार सीधा जाकर रेलवे क्रॉसिंग पर रुकता है, ट्रेन यार उधर से आती है और बस को हिलाते हुए रेलवे क्रॉसिंग को पास करते हुए चली जाती है। बस यार फिर से खुलता है, रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए स्टेशन को पास करते हुए एक दुकान वाली गली में घुसता है और उससे भी निकलते हुए चला जाता है। और इधर यार वल्ली बाहर के नजारे देख रही थी, वो यार बाहर एक बहुत ही बड़ी दुकान देखती है जिसमें यार नए नए कपड़े टंगे हुए होते हैं, सारे कपड़े यार नए नए थे, चमक रहे थे, और यार बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और ये सब चीज़ें वो देखकर शॉक्ड हो जाती है, वो कहती है इतना भीड़ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, इतना भीड़ किस लिए भाई। वल्ली यार बस का पूरा लुत्फ उठा रही थी, वो यार बाहर के नज़ारे देख रही थी, और ऐसे ही करते करते यार बस स्टॉप आ जाता है, सारे लोग यार बस से उतर जाते हैं लेकिन वल्ली यार अभी भी बस में थी। कंडक्टर आके पूछता है क्या मैडम आपको नहीं उतरना है क्या, 30 पैसे में आप यहीं तक आ सकती है। तो वो कहती है नहीं मैं नहीं उतरूंगी, मैं इस बस के साथ वापस जाऊंगी अपने घर, 30 पैसे और ले लो और मुझे वापसी की टिकट दे दो। तो वो कंडक्टर कहता है क्यों मैडम कोई दिक्कत है क्या। तो वल्ली कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बस बस के मजे लेने आई थी, मैंने बस के मजे ले लिए, अब मुझे वापस घर जाना है। मैडम अब यहाँ पर आप आ ही गई हैं तो बाहर का भी नज़ारा देख लीजिए, शहर का भी नज़ारा देख लीजिए कैसे कैसे दुकानें रहती हैं। तो वो लड़की कहती है मैं खुद से देख लूँ, ना बाबा ना मुझे डर लगता है मैं नहीं जाऊँगी बाहर। बस में आने से तो आप नहीं घबराई थी तो अब क्यों घबरा रही है, बस में कौन डरता है यार, बस में मुझे डर नहीं लगता लेकिन बाहर जाने में मेरी फटती है, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। चलिए ठीक है चल के साथ में कुछ पी लेते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ रहूंगा। नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है बाबा चलिए मैं ही आपके लिए कुछ लेके आ जाता हूँ, कुछ ठंडा वंडा लेके आ जाता हूँ। नहीं 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 मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं नहीं पी पाऊंगी। अरे चिंता मत कीजिए मैं अपनी तरफ से आपको पिला रहा हूँ पी लीजिए। नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगी आप तो बस मुझे अपना टिकट दे दीजिए। कंडक्टर यार मान जाता है और वल्ली को रिटर्निंग टिकट पकड़ा देता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद यार कुछ नए पैसेंजर आ जाते हैं, बस में सारे सवार हो जाते हैं और बस यार फिर से गाँव के लिए रवाना हो जाती है। फिर यार कंडक्टर वल्ली से पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी। तो वल्ली कहती है नहीं नहीं मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। और फिर से वो बाहर के नज़ारे देखने लगती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है। वो यार बाहर के नज़ारे इस ढंग से देख रही थी ना कि मानो उसके लिए पहली बार ही हो, वो यार ऑलरेडी एक बार देख चुकी है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए। तभी उसकी नज़र उस गाय पे पड़ती है जो कि यार जाने वक्त उस बस के साथ रेस लगा रही थी। वो यार गाय जो है रोड के किनारे पड़ी हुई थी, टांगे यार उसकी चिथड़ी हुई थी और यार वो मर चुकी थी। मतलब कि यार मरने के बाद एक जानवर का शरीर कैसा हो जाता है, ऐसे पैर फैले हुए होते हैं, आंखें खुली रहती है, ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका एक्सीडेंट कर दिया हो, कोई जैसे गाड़ी चलते हुई आई होगी और उसको ठोक के चली गई होगी, वो बेचारी गाय मर गई। तो वल्ली यार उस कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय है जो हम जब आ रहे थे तो हमने देखा था। तो कंडक्टर यार अपना गर्दन हाँ में हिलाता है, कहता है हाँ ये वही गाय है। और फिर वो लड़की बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, उसके चेहरे पर यार मायूसी छा जाती है। बस यार फिर से चलने लगती है लेकिन इस बार यार वल्ली जो है बाहर की ओर नहीं देख रही थी, वो यार उस गाय के मरने के सोग में थी, वो अभी भी डिप्रेस थी, उस गाय के बारे में ही सोच रही थी या कैसे वो गाय मर गई।
वो चुपचाप शांतिपूर्वक सीट पर बैठ जाती है। बस यह 3:40 पर उसके गांव पहुंच जाती है। सब लोग यार उतर जाते हैं। वल्ली भी यार वहां से उतरने लगती है, कंडक्टर की तरफ देखती है और कहती है, बाय सर, अब मैं जा रही हूँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आशा करती हूँ कि जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। कंडक्टर भी यार वल्ली को बाय करता है और कहता है कि ठीक है मैडम, जब भी अब आपको बस का राइड करना हो तो आप आ जाइएगा हमारे पास, और हाँ पैसा लाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, फिर से यार वो मजाकिए रूप में बोलता है। लड़की भी यार बस से हंसते हुए नीचे की ओर उतर जाती है और अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। वल्ली यार घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद देखती है कि उसकी माँ जो है एक आंटी से बात कर रही होती है। वो आंटी यार बगल में ही एक साउथ की गली में रहती थी और वो एक नंबर की बातूनी थी, मतलब एक बार मुंह खोलती थी ना तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती थी, बर बर कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। जब यार वल्ली अपने घर में घुस रही होती है ना, तभी वो आंटी उससे पूछती है कि वल्ली तुम कहाँ थी, लेकिन यार वल्ली कुछ नहीं बोलती है, सिंपली हंस देती है और आगे की ओर बढ़ जाती है और फिर से उसकी माँ और आंटी यार आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। उसकी माँ यार उस आंटी से कुछ ऐसा बोल रही थी, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, हमारे बीच और दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, हम हर चीजों के बारे में कैसे जान सकते हैं, और जब हम किसी चीज को जान भी जाते हैं तो उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, समझ पाते हैं क्या, वो ऐसा आंटी से बोल रही थी, आंटी से पूछ रही थी। तो इधर से वल्ली कहती है, हाँ आपने ठीक कहा। तो उसकी माँ कहती है, क्या तुमने क्या कहा? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैं आपकी बातों का समर्थन कर रही थी, आपने सही कहा कि हम बाहर की चीजों के बारे में कैसे जान पाएंगे। जो बगल में आंटी बैठी थी ना यार, वो कहती है, देखो छोटी सी तो लड़की है और कैसे हमारे बातों में टांग अड़ा रही है, कैसे हमारी बातों को गौर से सुन रही है, मानो कोई बड़ी औरत हो। वल्ली यार मुस्कुरा देती है, लेकिन वो क्यों मुस्कुराई, वो क्यों हंसी, इस बात का पता उन लोगों को वो चलने नहीं देती है, क्योंकि यार वो बताना नहीं चाहती थी और कभी ऐसा मौका भी नहीं आया बाद में, आया क्या। और इसी क्वेश्चन मार्क के साथ तुम्हारे इस चैप्टर को खत्म कर दिया गया है। तो कहानी सुनने में कैसा लगा यार, मजा आया क्या? तुम भी कभी अपने पेरेंट्स से बचकर कहीं गए हो क्या? तुमने भी कुछ ऐसा काम किया हो जो तुम्हारे माँ बाप को पता नहीं है? अगर तुमने कभी कुछ ऐसा किया है तो यार नीचे मुझे कमेंट करो, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने अपने भाई का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, हैं फ्री का यार, कर लो। चलो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।